नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल, आपका एस्ट्रो चाचा। एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आपके बालों से आपको मिलेगी सफलता। बालों में क्या खास लगाएं, कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, दोस्ती करने जाते हैं, किसी प्रस्ताव को लेकर के जाते हैं, कोई बिजनेस ट्रिप में जाते हैं और बिजनेस कोई एग्रीमेंट साइन करने के लिए जाते हैं, या कोई आपका पर्सनल कोई काम हो जो कि होना ही ज़रूरी है, तो क्या लगा के जाएं कि आपको सफलता ज़रूर मिले। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बालों के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। कहते हैं बाल जो है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होती है। बाल देख करके आप इंसान की पहचान कर सकते हैं कि वो आदमी कैसा है। अब देखिए, बहुत से लोग बाल घुंघराले उल्टे सीधे ऐसे ऐसे रख करके आपको अच्छा नहीं लगता, उसका इंप्रेशन आपके ऊपर सही नहीं पड़ता। वही जो बाल साफ सुथरे कंघी किए हुए तेल और क्रीम लगा करके सेट किए हुए हों तो आपके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव उसका पड़ता है। आप उससे देखते ही खुश हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, आप चाहते हैं उसका काम कर दूँ, है ना। तो बालों का बहुत असर पड़ता है इंसान के व्यक्तित्व पर। बाल जो है वह शनि ग्रह का कारक होता है। अच्छा, बालों से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके किसी की शनि की 7.5 ढैया चल रही है तो उसके बाल बिखरे हुए सूखे सूखे होंगे, और अगर तरकीब से बाल जो है कंघी किए हुए सुंदर तरीके से होगा तो उसका गुरु सही होगा, गुरु ग्रह सही चल रहा होगा, लाभ देने वाला है ना। तो इस तरह से हम बालों का प्रयोग करके, भाई देखिए, कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कि कोई काम किसी से करने जाते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करने के लिए जाते हैं, पहली बार मिल रहे हैं, कोई दोस्ती फ्रेंडशिप करने के लिए जा रहे हैं, किसी बड़े व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं कि भाई कोई पर्सनालिटी है जिससे मिलूंगा तो मेरे को काम हो जाएगा, मुझे कोई रास्ता दिख जाएगा, मेरी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो आपको तो उसके आपके व्यक्तित्व की छाप उसके ऊपर अच्छी पड़नी चाहिए ना। वो आपको देख के प्रसन्न हो जाए, उसका मन करे कि इसका काम कर दूँ। वो बालों से होता है। बाल अच्छे हो तो शनि अच्छा होगा, शनि अच्छा होगा तो अड़चन नहीं आएगी, भाई शनि तो अड़चन डालता है ना। तो बाल में अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और वो बहुत ही उसमें ताकत वाली काम है, बहुत ही बलशाली काम है, और बहुत संकट आ गया है, उस संकट को टालने के लिए आप जा रहे हैं उससे बात करने के लिए, तो आप चमेली का तेल थोड़ा सा लगा के जाइए। बाजार में मिलता है। अब चमेली का तेल क्यों, किसका होता है, हनुमान जी का होता है ना। अब वो आपके सिर के ऊपर अगर हनुमान जी सवार हो गए तो कौन आपके काम को रोक सकता है, कौन आप पे संकट ला सकता है, कोई नहीं, बजरंग बली आपकी रक्षा करेंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए कि आपको ख्याति मिलेगी, आपको कोई अच्छी सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ख्याति मिलेगी, तो आप थोड़ा सा बालों में थोड़ा कलर करके, लाल का कलर करके जाइए। अब फिर देखिए, आपको जो है आपके सरकारी नौकरी का योग जल्दी बन जाएगा और इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए कि आप जो हैं वह शादी की बात करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें सफलता मिले आपको, तो क्या करना चाहिए। भाई बहुत से लड़के आते हैं कन्याओं को देखने के लिए, उस समय भी वो प्रयोग कर सकते हैं, लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। तो अगर कोई भी बालों में सुगंधित तेल, चमेली का नहीं, इसके अलावा कोई सुगंधित तेल लगा लें, या जब कन्या जाए उसके सामने तो बालों में थोड़ा सा हल्का सा, एक आधा समझिए कि आधी चुटकी या उससे भी कम, थोड़ा सा ऐसे टच करा के हल्दी वाला जल हाथ पे लेके ऐसे बालों में लगा के जाइए। फिर देखिए, शादी का काम पक्का हो जाएगा, बात पक्की हो जाएगी, रिश्ते पक्के हो जाएंगे। मान लीजिए आप किसी
चाहते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में, किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं, उसके हाथ में बहुत सारे काम हैं, वो आपको दे दे तो आपकी रोजी रोटी अच्छे से चलेगी, आप मालामाल हो सकते हैं। लेकिन वो बड़ा व्यक्ति आपकी बात सुनेगा क्या, कन्विंस होगा क्या आपकी बातों से, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देगा क्या, या आपको, आप जा रहे हैं उसको माल बेचने के लिए, वो माल खरीदेगा क्या आपसे, आपको ऑर्डर देगा क्या। दुकानों में जाके, फैक्ट्रियों में जाके ऑर्डर लेने होते हैं, अगर आप ऑर्डर लेने जा रहे हैं तो बालों में क्या, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बालों में लगाना चाहिए। पहले इनके बाल जो है उसकी मांग, बाएं तरफ मांग होनी चाहिए, एकदम तरतीब से बाल झाड़े हुए होने चाहिए, बाल हाथ में तेल लगा के सेट करके जाइए। और भौं की बाले सही होना चाहिए, नाक में से बाल निकला हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये करके जाएंगे तो आप निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जब घर से निकले तो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करके निकले। अगर मान लीजिए आप कोई प्यार का प्रपोजल लेकर जा रहे हैं, प्रपोज करने जा रहे हैं, तो आप देखिए, मैं एक प्रयोग बताता हूं आपको। आप बालों को एक, या तो बिना मांग के ऐसे थोड़ा सामने करके जाइए, या दाहिने तरफ मांग फाड़ के उल्टा करके जाइए, और थोड़ा सा गुलाब जल हाथ में लेकर के ऐसे मल करके बालों में लगा के थोड़ा जाइए, देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी, लव मैरिज का योग बन जाएगा। आप विदेश जाना चाहते हैं वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए प्रयास करने जा रहे हैं, तो क्या करके जाना चाहिए, बालों में क्या लगा कर जाना चाहिए। ऐसा करने से बालों में जो है आपके लिए कहा जाता है, एक तो पहली बात यह है कि पूरे अच्छे से शैम्पू करके धो लीजिए। धोने के बाद आपने क्या करना है कि बालों में बेलपत्र होता है ना, बेलपत्र जो शंकर जी को चढ़ाया जाता है, उसको थोड़ा सा पीस करके हल्का, और उसका थोड़ा रस लेके बालों में लगा के जाइए, फिर देखिए चमत्कार। अगर इसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, आपके काम बन जाएंगे। तो इस तरह में बालों का प्रयोग करके इंसान को अपनी ज़िंदगी में सफलता मिलती है, शनि की विघ्न बाधाएँ दूर होती हैं, और बाल जो है इंसान के व्यक्तित्व का आईना होता है। बालों के प्रयोग के जरिए आप अपने बड़े बड़े काम को बना सकते हैं, प्रयोग करना और फिर देखना। लेकिन ये सब शेयर भी करना, लाइक भी करना बातों का, और मुझे इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम।